श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाटर एटीएम की शुरुआत की है। इस वाटर एटीएम में श्रद्धालुओं को पूरी तरह से स्वच्छ पानी मिल सकेगा। ये वाटर एटीएम कटरा और श्री माता वैष्णो देवी के रास्ते पर लगाए गए हैं। इस बारे में श्राइन बोर्ड के सीईओ अजीत कुमार साहू ने बताया कि गर्मियों में यात्रियों के लिए किस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है सीईओ श्राइन बोर्ड श्री अजीत कुमार साहू जी, इन्हीं से बात करेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने किस तरीके के खास अरेंजमेंट रखे हुए हैं। सर, एमएसवन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाए और उनके अरेंजमेंट जो है वो किए। देखिए, जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है ये 12 महीने चलती है, 24 घंटे चलती है, तो हमें हर समय तैयारियाँ पूरी रखनी पड़ती हैं। और स्पेशली छुट्टियों के समय यात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और गर्मियों में यात्रा जब काफ़ी बढ़ जाती है तो हम स्पेशली डिप्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी चीज़ की पूरे ट्रैक हमारा लगभग जो है कवर्ड है, उसमें धूप और बारिश से जो है पूरा बचाव होता है, तो यात्री को वॉक करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। शहर के अंदर जो है कटरा शहर में जो यात्री आते हैं तो उनके लिए जगह जगह पर पानी के पीने के पानी के इंतजाम किए गए हैं और बाकी यहाँ पर सफिशेंट एकोमोडेशन है। श्राइन बोर्ड के भी एकोमोडेशन है और प्राइवेट एकोमोडेशन भी सफिशेंटली अवेलेबल है, तो गर्मियों की वजह से किसी यात्री को किसी तरह की मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कटरा में या माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर किसी तरह की जो है दिक्कत आएगी। गर्मियों में छुट्टियाँ पड़ते ही हैं, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बना लेते हैं कि आ जाए चले कि वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, पहाड़ी इलाके में घूम के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बना के आते हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उसको देखते हैं कुछ खास इंतजाम कटरा से लेकर। देखिए, मैंने जैसा बताया कि हमारे राउंड द क्लॉक इंतजाम होता है और जो है वो सारी व्यवस्थाएँ होती है सुरक्षा से लेकर के पानी पीने के पानी बिजली की। मैं खाली यही एडवाइस करना ये चाहूँगा कि स्पेशली जो फ्राइडे होते हैं और सैटरडे होते हैं उससे थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, तो यात्री अगर वीक डेज में प्रोग्राम अगर वो बना सके तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके। जैसे कि सुनने में अभी श्राइन बोर्ड जो है वाटर एटीएम की रिकमेंड कर रहा है कि वहाँ पर पानी की आवश्यकता वो श्रद्धालुओं को मिले। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर एटीएम जो है वो हमारे ट्रैक पे लगाए जाएंगे, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पानी मिलेगा, तो ट्रायल बेसिस पे अभी हम कोई 10 ATM अपने 1 महीने के भीतर लगा रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस देख करके रिस्पॉन्स देख करके हम उसको और 100 के करीब जो है इस तरह के कियोस्क लगाने का प्लान है।